दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज केवीएस टीचर के बारे में बात करेंगे, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एलडीसी, सभी जितनी भी वैकेंसीज केवीएस में आती हैं, उन सब से रिलेटेड एक कंप्लीट क्रैश कोर्स टाइप की वीडियो है, जिसमें आप लोगों को सभी वैकेंसीज के लिए एज के बारे में बताएंगे, एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे, फीस कितनी होती है, सिलेक्शन मोड क्या रहेगा, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, सैलरी क्या होती है, क्वालिफिकेशन सबकी क्या रहेगी। यानी इस वीडियो में हर वो चीज है जो केवीएस के लिए अप्लाई करने वाले बच्चों को जानने की जरूरत होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके बाद उम्मीद है आप लोगों को कोई भी और ऐसा डाउट नहीं बचेगा जिसके लिए आप लोगों को जरूरत रहेगी। और केवीएस की वैकेंसी जो 2020 के अंदर आने वाली है या आगे आने वाले समय में जब जब केवीएस आएगा, या डीएसएसबी की वैकेंसियों की बात करें या केवीएस की, एनवीएस की, सभी प्रकार के नोट्स स्टडी पोर्टल आप लोगों को बाय कोरियर प्रोवाइड करवाता है। ऑल ओवर इंडिया में हमारा मटेरियल पिछले कई सालों से जा रहा है, बच्चों के अच्छे रिस्पॉन्स रहे हैं, तो उम्मीद आप लोगों को भी सब कुछ यहाँ पर मदद मिल पाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर ध्यान से देखें आप लोग, तो शुरुआत में अगर आप, तो एक एक चीज से मैं करने की कोशिश करूंगा कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप लोगों को कौन सी चीजों के बारे में जानकारी चाहिए होती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एज की, एज हर वैकेंसी के लिए अपनी अलग होती है, लेकिन यहां पर एज में रिलैक्सेशन क्या होगा उसके बारे में पहले मैं बता देता हूं। जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इसके लिए 5-7 का रिलैक्सेशन होता है आपका। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी की बात करेंगे तो 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। अगर महिलाओं की बात अगर आप करते हैं, महिलाओं की बात खास करके प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को अगर छोड़ देते हैं पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए, तो 10 साल का रिलैक्सेशन महिलाओं को होता है। अगर 40 का है तो महिला को 50 का हो, अगर 35 का है तो महिलाओं को 45 का, इस तरीके से आपका रहेगा। केवीएस का अगर कोई कैंडिडेट है, एम्प्लॉय है पहले ही, तो उसके लिए कोई एज की कंडीशन नहीं होगी। अगर बात करें कैंडिडेट जो 3 साल कंटिन्यू सर्विस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जिन लोगों ने किया है, तो उनके लिए थोड़ा सा अलग से होता है। जनरल के लिए जैसे 5 साल का, एससी एसटी के लिए 10 साल का, ओबीसी के लिए 8, यानी 5 साल एक्स्ट्रा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर बात करें पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल जम्मू एंड कश्मीर का 1980 और 1989 के बीच वाला, तो 5 साल का रहेगा उसका। अगर उसके साथ आप देखेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके लिए एससी एसटी का कैंडिडेट है तो 15 साल, ओबीसी का कैंडिडेट है तो 13 साल, जनरल का कैंडिडेट है तो 10 साल। यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आपके लिए 10 साल अलग से होता है। अब एससी एसटी का 5 होता है तो वो 5 ऐड हो जाएगा 10 में, ओबीसी के लिए 3 अलग होता है तो 10 में 3 ऐड हो जाएगा। इस तरीके के आप लोगों को यहां पर एज का रिलैक्सेशन की बात होगी। एक्स सर्विसमैन की बात करें, जनरल 5 साल का होगा और फॉर ग्रुप ए पोस्ट ओनली, के सिर्फ ग्रुप ए की पोस्ट के लिए आपको यहां पर दिखेगा। तो ये तो था आप लोगों का एज रिलैक्सेशन की बात, चाहे आपका एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, हैंडीकैप्ड हो, महिलाएं हो, सबके लिए अलग अलग चीजें यहां पर दी गई हैं। उसके बाद अगर हम एज के बाद अगर देखेंगे तो फिर आप लोग जाते हैं फीस के ऊपर। ज्यादातर बच्चे इसके बारे में आमतौर पर पूछते हैं, जब जब वैकेंसी आती है आप लोगों को आमतौर पर यही दिखेगा। प्रिंसिपल के लिए पोस्ट के लिए आप 1500 रुपए का फीस होता है, वाइस प्रिंसिपल के लिए फी फॉर्म होता है 1500 होता है, पीजीटी के लिए आपका 1000 रुपए होता है, टीजीटी के लिए 1000 रुपए होता है, लाइब्रेरियन के लिए 1000 रुपए होता है, प्राइमरी टीचर के लिए 1000 होता है, और पीआरटी म्यूजिक वगैरह के लिए भी 1000 रुपए का। यानी दो उसमें है यहाँ पर, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल वाला 1500 और बाकी सबके लिए 1000 वाला। तो ये है आपका फीस वाला फॉर्मेट कि फीस आप लोगों को कैसी है। उसके बाद अगर बात करते हैं आप लोग मोड ऑफ सिलेक्शन की, तीसरा जो मुद्दा आपका दोस्तों यहाँ रहता है वो मोड ऑफ सिलेक्शन का रहता है कि किस तरीके का मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू पुट टुगेदर। जो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन का जो मोड होता है वो आपका रिटन एग्जाम या फिर आगे जाने वाले समय में हो सकता है कंप्यूटर में ले लें उसको, तो वो और उसके साथ आपका इंटरव्यू। केवीएस रिजर्व द राइट टू डिसाइड द कट ऑफ मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन। केवीएस के पास ये अधिकार है कि वो डिसाइड करें कट ऑफ मार्क्स को और इंटरव्यू को सेपरेटली।
द डिसीजन ऑफ केवीएस अबाउट द मोड ऑफ सिलेक्शन टू द अबो पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ द एप्लीकेंट फॉर इंटरव्यू शैल बी फाइनल. केवीएस का डिसीजन फाइनल होगा. नो कोरेस्पोंडेंस विल बी एंटरटेन इस रिकॉर्ड. किसी और पत्रकारिता या किसी और मामले को यहाँ एंटरटेन नहीं किया जाएगा. ये आप लोगों का जो है वो मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा. हाउएवर द मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर ऑल अबो पोस्ट विल बी एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड मेड बी चेंज्ड बिफोर द डेट ऑफ स्टार्ट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड विद ड्यू नोटिफिकेशन. तो इसको नोटिफिकेशन के आधार पर चेंज करने का अधिकार उनके पास ऑलरेडी होता है. अगर आप बात करें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की तो 85/15 ये रेशियो होता है. 85 नंबर का जो है वो आपका रिटन एग्जाम वाला फॉर्मेट होता है और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू 15% वाला इंटरव्यू से होता है. इस तरीके के आप लोगों के लिए यहां रहेगा. पीआरटी टीचर म्यूजिक वगैरह की बात करेंगे तो उसमें 60/25 और 15 का रेशियो आपके लिए यहां पर दिखाया गया होता है. उसके बाद अगर बात करें कहां कहां पर सेंटर्स आते हैं तो उसके लिए कई सारे सेंटरों का जिक्र होता है. यहां पर 1 से लेकर 13 तक आप यहां पर देख रहे हैं. 19 से लेकर 31 तक आप लोग इस रो में देख रहे हैं और उसके बाद आगे आप लोगों को 36 तक आपको ये मिलेगा. 36 सिटी जैसे हैं जहां पर केवीएस का आमतौर पर एग्जाम होता है. उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं पेपर के पैटर्न्स वगैरह के बारे में. पैटर्न बिल्कुल खास होता है जिसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा. उसके बाद हम एलिजिबिलिटी वगैरह को भी देखेंगे. प्रिंसिपल का केवीएस के प्रिंसिपल का अगर पैटर्न देखेंगे आप लोग तो टेस्ट ड्यूरेशन आपका 150 मिनट का होता है. 150 ही आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज होते हैं और 150 ही नंबर का होता है. तो ये 150 150 150 वाला रेशियो है. अगर हम पार्ट ए में देखेंगे जनरल हिंदी और इंग्लिश से हैं जो 10-10 नंबर का आपका रहेगा. पार्ट टू में देखेंगे जीके रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी तीनों 10-10 नंबर का यानी 30 नंबर हो जाएगा. उसके बाद पार्ट थ्री देखेंगे एजुकेशन आपका 50 नंबर का रहेगा जिसमें चाहे सीडीपी हो चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से दूसरे पोर्शन हो तो ये आपका 50 नंबर का ये हो जाएगा. 50 और 50 आपके 100 हो जाएंगे. और उसके बाद आपके लिए 50 नंबर का होता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का पोर्शन. ये आप लोगों के सामने एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का पोर्शन का सीसीएस सीसीए रूल्स होंगे, कंडक्ट रूल्स होंगे, फंडामेंटल सप्लीमेंट्री रूल होंगे, टीए रूल्स होंगे, एलटीसी रूल्स होंगे, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स होंगे, पेंशन रूल्स, न्यू पेंशन रूल्स, ये सब कुछ होगा. जीएफआरएल, इनकम टैक्स एंड जीएसटी होगा. तो ये आपका 50 नंबर का. इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो टोटल आपके सामने 150 नंबर का पैटर्न ये प्रिंसिपल का है. प्रिंसिपल उसी के अंदर आप इंटरव्यू देखेंगे तो फिर बाद में आप लोगों को 60 नंबर के इंटरव्यू से भी गुजरना पड़ेगा. तो उसी तरीके से अगर वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो उसमें हल्का सा चेंजिंग है. हालांकि पार्ट वन जो है हिंदी इंग्लिश वाला 10-10 नंबर का वो सेम है. अगर जीके रीजनिंग कंप्यूटर का बात करेंगे तो ये भी 10-10 नंबर का पोर्शन, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये भी आपके लिए सेम रहेगा. उसके बाद अगर सीडीपी के लिए और एजुकेशन साइकोलॉजी वगैरह के पोर्शन को देखेंगे तो ये भी आप लोगों को 50 नंबर का यहाँ पर सेम रहेगा. स्टार्टिंग के जो 100 है वो आप लोगों को यहाँ बराबर नजर आएंगे, उसमें कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में देखेंगे तो इसमें कुछ छोटे छोटे पोर्शंस हैं जो कट जाते हैं, बाकी आपके लगभग सेम रहेगा. यानी सिलेबस की बात करेंगे तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का सिलेबस लगभग आपके लिए सेम है. इंटरव्यू यहां भी आपके लिए 60 मार्क्स का दिख जाएगा. ये सिंपल सा प्रोसेस है. अगर उसके बाद आप बात करते हैं पीजीटी वालों की, अगर पीजीटी की क्वालिफिकेशन पेपर पैटर्न की बात करेंगे तो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, पीजीटी चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कॉमर्स, कंप्यूटर, सबके लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए सबसे पहले पार्ट नंबर एक, पार्ट ए में अगर आप देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश रहेगा जो दोनों 10-10 नंबर का रहेगा. उसके बाद आप पार्ट टू में देखेंगे या पार्ट बी में देखेंगे तो आपके लिए जीके का पोर्शन करंट अफेयर का 10 नंबर का है, रीजनिंग का 10 नंबर का है, कंप्यूटर का 10 नंबर का है और जो पेडागोजी का पोर्शन है वो भी आपके लिए 20 नंबर का है. अगर इस तरीके से देखेंगे 10 और 10 20 और 10 30 और 20 50 50 नंबर का पोर्शन नंबर टू है और 20 नंबर का पोर्शन नंबर वन था. 50 और 20 70 नंबर के आपके ये पोर्शन हो जाएगा. और उसके बाद बचते हैं आपके 80 मार्क्स. 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा.
सब्जेक्ट कंसर्न जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, फिजिक्स है तो फिजिक्स, बायो है तो बायो, इकोनॉमी है तो इकोनॉमी, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, संस्कृत है तो संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट है, कहने का मतलब यहां पर यह है। और इस तरीके से आपके लिए तीनों पोर्शन में 150 मार्क्स का आपके लिए तैयार रहेगा। तो हम लोग स्टडी मटेरियल आपको देते हैं, हम सारे पोर्शन में देते हैं, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि आप लोगों को तमाम वो चीजें, जैसे हमारे उसमें इंग्लिश की बुकलेट अलग होगी, हिंदी की बुकलेट अलग होगी, जीके करंट अफेयर की बुकलेट अलग मिलेगी, रीजनिंग की अलग होगी, कंप्यूटर की अलग होगी, पैडागोजी की अलग होगी, और सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन की है उसके लिए अलग रहेगी, जिस तरीके से बच्चों को कंप्लीट रूप से अपने आपको सही तरीके से तैयारी के अनुसार ढालने में आसानी रही। बात करते हैं टीजीटी की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जब बीएड बेस पर होता है, इसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट हैं, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेस्ट ड्यूरेशन तो 150 मिनट ही रहेगा, क्वेश्चन भी 185 रहेंगे, टोटल मार्क्स भी 185 रहेंगे, और उसमें जो पहला पोर्शन पार्ट वन जो है वो सेम रहेगा, जिसमें 10 की हिंदी और 10 का इंग्लिश होगा। पार्ट टू जो रहेगा उसमें थोड़ा चेंजिंग आ जाएगा, क्योंकि यहां पर केवीएस टीजीटी के लिए सब्जेक्ट नहीं पूछता है, और सब्जेक्ट नहीं पूछता है तो जो जीके आपका 10 नंबर का था वहां इसने 40 नंबर कर दिए, रीजनिंग 10 नंबर का था वहां भी 40 कर दिए, कंप्यूटर 10 का था उसको 10 ही रखा, और पैडागोजी 20 की थी उसको 40 कर दिया। तो इस तरीके से 40 और 10 50 और 40 90 और 40 130 और 10 140 और 10 150, इस तरीके से आपके लिए टीजीटी का जो पैटर्न है वो आपका यही रहेगा। इसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, खास करके जो टीजीटी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी और आपका संस्कृत, यहां पर आपसे वो नहीं पूछेगा। ये चीज आपको एक बार यहां पर ध्यान से देखनी है, सिलेबस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इंटरव्यू आपका यहां पर 60 नंबर का ही रहेगा। अच्छा, जो बाकी टीजीटी के सब्जेक्ट हैं, फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, आर्ट वाले हैं और वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं, उनसे जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। उनके लिए पेपर पैटर्न क्या है, हिंदी और इंग्लिश जो है 10-10 नंबर का रहेगा, जीके 10 का है, रीजनिंग 10 का है, कंप्यूटर 10 का है, और वहां जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का रहेगा, उनके लिए अलग है थोड़ा सा, और इंटरव्यू यहां भी आपके लिए 60 नंबर का ही रहेगा। उसके बाद बात अगर करें लाइब्रेरियन वगैरह की, तो लाइब्रेरियन के लिए वही 150 नंबर का पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 ही आपके लिए मिनट होंगे। अगर जनरल पेपर की बात करेंगे तो सबके लिए सेम है, 10 की हिंदी, 10 का इंग्लिश, पार्ट टू की बात करेंगे तो 10 की जीके, 10 का रीजनिंग और 10 का कंप्यूटर आपके लिए यहां भी है, और सब्जेक्ट कंसर्न की बात करेंगे तो 100 नंबर का सब्जेक्ट कंसर्न आपके लिए यहां रखा गया है। फिर बात करते हैं प्राइमरी टीचर की, पीआरटी के लिए 150 मिनट रहेंगे, 150 एमसीक्यूज होंगे और 150 मार्क्स रहेंगे। पार्ट वन 10 की हिंदी, 10 का इंग्लिश यहां सेम है, पार्ट टू जो है वो सेम पीजीटी की तरह उसी फॉर्मेट में रखा गया है, 10 का आपका जीके रहेगा, 10 की आपकी रीजनिंग रहेगी, 10 का कंप्यूटर रहेगा और 20 का पैडागोजी रहेगा। और ध्यान से देखिए, ये जो 10-10 नंबर मिला दिया आपने और 20 नंबर, ये 70 नंबर हो गया, बच गया आपके लिए 80 नंबर। अच्छा, 80 नंबर जो बचता है ना, उसमें एक चीज आप ध्यान देखिए, उसे जैसे डीएसएसबी वगैरह में देखेंगे तो ईवीएस और साइकोलॉजी है उसकी, ईवीएस के पैडागोजिकल पोर्शन है, लेकिन यहां पर आपके लिए अलग होगा। यहां पर क्या होगा, 10 नंबर की हिंदी होगी इसमें, 10 नंबर की इसमें इंग्लिश होगी, 20 नंबर का इसमें मैथ रहेगा, और 20 नंबर का मैथ आने के बाद 20 नंबर का इसमें आपका साइंस रहेगा, और 20 नंबर का आपका इसमें यहां पर ईवीएस रहेगा। ये चीज आपको एक बार देखनी है, यानी केवीएस का जो सब्जेक्ट पोर्शन है ना वो थोड़ा बाकियों से अलग है। इसमें सब्जेक्ट में भी 10 की हिंदी, 10 की इंग्लिश डाल जाती है, और साइंस, मैथ और ईवीएस को 20-20 नंबर अलग से दिए जाते हैं। ये सबसे बेहतरीन है, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है, और आप लोगों को जो चीजें बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, आप लोग वहां पर चूक जाते हैं, और जिसका नुकसान आपको होता है, और रिजल्ट में उसका असर बहुत खतरनाक होता है। प्राइमरी टीचर म्यूजिक की बात करेंगे तो जो पार्ट वन है वो वही 10 नंबर हिंदी, 10 नंबर इंग्लिश रहेगा। पार्ट टू की बात करेंगे तो जीके 10 नंबर का सेम, रीजनिंग 10 नंबर का सेम, कंप्यूटर 10 नंबर का सेम, और जो सब्जेक्ट का जो म्यूजिकोलॉजी वाला पोर्शन है वो आपके लिए 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें क्लासिकल से लेकर के पूरा इंडियन म्यूजिक होता है और वेस्टर्न के भी पोर्शन होते हैं।
इंटरव्यू की बात करेंगे तो आपके लिए यहां पर 60 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को जब वैकेंसी आती है उसमें सारी चीजें बताई जाती हैं। अब हम आके लौट के चलते हैं दोबारा उसी पोर्शन के ऊपर जिसमें आप लोगों के लिए काफी सारी चीजें बची हुई हैं, चाहे आपका सैलरी की बात हो, चाहे क्वालिफिकेशन की बात हो, तमाम वो चीजें हैं जिनके लिए आप लोग हमेशा वेट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं सर इसका बताइए हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे और क्वालिफिकेशन के साथ साथ हम लोग सैलरी की और एज की, जो प्रॉपर एज किसी चीज के लिए चाहिए है उसके ऊपर आकर एक बार हम आ जाते हैं। फिर एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, स्टडी पोर्टल आप लोगों को केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस, सीटेट, एसेट हर प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। आप लोग अपने घर पर बैठे पूरे इंडिया के अंदर कोरियर अपने घर पर मंगवा सकते हैं। मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, तमाम वीडियोज हम आप लोगों के लिए फ्री चैनल के ऊपर दे ही रहे हैं। कोई भी दिक्कत है तो आप बताइए, उसे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एक एक पोस्ट की, ऐसा ना सोचना कोई बच्चा कि सर आप तो उस सब्जेक्ट का बता रहे हो, हमारा पोस्ट नहीं बता रहे, ये सभी के लिए है। थोड़ा अगर वेट करेंगे, आधा घंटा पौना घंटा पूरा निकाल लेंगे तो सभी प्रकार की चीजें पता चल जाएंगी। हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को इसका फायदा हो, एक को ना हो। तो अब आ जाते हैं सबसे पहले पोस्ट, सबसे बड़ी पोस्ट आती है केवीएस में यहां पर, जो आप लोगों के लिए खुली रिक्रूटमेंट होती है, ओपन रिक्रूटमेंट, उसमें प्रिंसिपल का आता है। प्रिंसिपल की बात करेंगे तो आप लोगों के लिए 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपए तक आपके लिए, यानी 2,00,000 लगभग 10,000 तक आप इसमें जा सकते हो। एज लिमिट की बात करेंगे तो 35 साल जो है वो 35 साल कम से कम होना चाहिए और 50 साल जो है वो आपका मैक्सिमम होना चाहिए। अब यहां पर एक चीज देख लीजिए, जो भी हम बात कर रहे हैं वो जनरल के आधार पर कर रहे हैं, जनरल के आधार पर कर रहे हैं। बाकी जो है आपका एससी का, एसटी का, ओबीसी का, एससी एसटी का 5-5 साल, ओबीसी का 3 साल, वो ऐड हो जाएगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कोई मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, या फिर उसके और उसके साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो पर्सन होल्डिंग एनालॉजियस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने जिस पोस्ट को होल्ड किया हो, प्रिंसिपल वाले लेवल के ऊपर या फिर उसके बराबर की पोस्ट पर, या फिर वाइस प्रिंसिपल आप लोग इतने समय पर इसमें रहे हो लेवल 10 तक के लिए, या फिर प्रिंसिपल वगैरह था तो लेवल 12 तक के लिए। अगर उसके बाद आप बात करते हैं तो पर्सन होल्डिंग पोस्ट ऑफ लेक्चरर रहे हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लेवल 8, ये पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा 8 साल के लिए। देखो तीनों चीजें अलग अलग हैं आपके लिए। यहां पर वाइस प्रिंसिपल हैं तो 5 साल तक आप लोग पीजीटी और 2 साल तक वाइस प्रिंसिपल। अगर आप बात करते हैं लेक्चरर की तो 8 साल तक आप रेगुलर इस पोस्ट पर रहे हो, और उसके बाद अगर ये नहीं है तो फिर 3 साल तक आप लोग अगर इसमें देखेंगे 15 साल का कंबाइंड रेगुलर सर्विस एस टीजीटी इन पे स्केल 7 और उसके साथ 3 साल का आपका पीजीटी हो, ये सारे आपके लिए यहां पर इन्होंने दी है। ये प्रिंसिपल वाले के लिए है। उसके बाद अगर बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल की तो वाइस प्रिंसिपल के लिए फिर आपको अलग देखना पड़ेगा, उसमें सिलेबस एक है, उसमें दिक्कत नहीं, पेपर पैटर्न सेम है, लेकिन यहां पर सिलेबस की बात, क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो सिलेबस सेम है, क्वालिफिकेशन में अंतर थोड़ा मिलेगा आपको। 56,100 से लेकर 1,77,500 तक आपका पे स्केल में चला। एज लिमिट की बात करेंगे तो 35 साल, 35 मिनिमम, 45 मैक्सिमम, लेकिन वहां पर देखा आपने 35 मिनिमम तो सेम था लेकिन मैक्सिमम 50 था। उसके साथ साथ आप लोगों को एससी एसटी ओबीसी का अलग ऑटोमेटिकली रहेगा। एजेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, एजेंशियल में आपका रहेगा मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कम से कम 50% नंबरों से, उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपका पीजीटी ऑफ वाइस प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड के अंदर, पोस्ट वाइस प्रिंसिपल आपका, यानी 2 साल तक आपने इस पोस्ट पर काम किया हो। उसके साथ अगर ये नहीं है तो इयर्स 6 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट किसी भी बॉडी के अंदर, और उसके अगर ये भी नहीं है तो 10 साल का आपका पीजीटी और लेक्चरर इन टीजीटी इन सेंट्रल स्टेट, 3 साल तक आपका अलग से पीजीटी लेक्चरर होना चाहिए। डिजायरेबल में आपका बेसिक कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सबके लिए सेम रहता है, ये आपका जाएगा। अच्छा, उसमें जी हैं, बाकी चीजों की अगर बात करेंगे तो हम बात एक बार कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पीजीटी वालों के लिए। अब पीजीटी वालों में आपके लिए क्या रहेगा, सैलरी जो है वो 47,600 से 1,51,100 रुपए तक का रहेगा।
पूरा इसमें आगे होता है। एज लिमिट की बात करेंगे तो अपर एज लिमिट तो 40 साल रहेगा, 40 साल जो है ये आपके लिए जनरल के लिए रहेगा। अगर एससी एसटी हैं तो 5 साल मिला दीजिए आप लोग, इसमें आपका 45 हो जाएगा। अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो उसमें आप 3 साल और मिला दीजिए, 43 हो जाएगा। इस तरीके से अगर महिलाएं हैं तो 40 साल के अंदर आप 10 साल और मिला दीजिए, आपको यहां पर 50 साल मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपने आप को एक बार देख लेना है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, यानी यहां पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए आपका एमए एमएससी एमकॉम कोई भी मास्टर डिग्री आपके पास हो तो आप लोग इन पोस्ट के लिए जा सकते हैं। और उसके साथ साथ मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50 मार्क्स, यहां पर आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है कि ये क्वालिफिकेशन आप लोगों के लिए इन लोगों ने सेट की है। सभी सब्जेक्टों के लिए आपको रहना पड़ेगा। अच्छा, अब आपने मास्टर डिग्री तो कर दी, उसके साथ आपका बीएड होना जरूरी है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ साथ प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, इन दोनों मीडियम में आपको टीचिंग आना चाहिए। ये चीजें इन लोगों ने साफ साफ कही है। हाँ, अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर वाले की तो उसके लिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो हो आपको एक बेसिक थोड़ा सा होना चाहिए हर चीज के लिए। तो ये तमाम जो पोस्ट हैं, इन तमाम पोस्ट में आप देख सकते हो, चाहे वो पीजीटी कंप्यूटर के लिए इन्होंने थोड़ा सा अलग रखा है, बाकी सबके लिए आपको यहाँ पर सेम दिखेगा। ये तो था आप लोगों के लिए जो पीजीटी वाली पोस्ट हैं उनके लिए आपने यहाँ पर इसको देख लिया। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो टीजीटी वाले पोस्ट के लिए, टीजीटी में जितनी भी पोस्ट है यहाँ पर देखिए, फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, टीजीटी की जितनी भी पोस्ट है, चाहे हिंदी टीचर की हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, साइंस हो, मैथ हो, फिजिकल एजुकेशन हो, आर्ट हो, वर्क एक्सपीरियंस हो, इन सभी, हालांकि देखिए इनके पेपर पैटर्न में बाकी सब्जेक्टों में आर्ट मिसलेनियस वाले में अंतर, लेकिन बाकी चीजों में काफी कॉमन है। पे स्केल 44,900 से 1,42,400 के बीच रहेगा। एज लिमिट की बात करेंगे तो अपर एज लिमिट 35 है, अपर एज लिमिट 35 है, लेकिन 35 साल के साथ साथ अगर आप महिला हैं, बच्ची हैं, लड़की हैं, तो फिर आपका 10 साल एक्सटेंड हो जाएगा, 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी हैं तो 5 साल एक्सटेंड हो जाएगा, 35 में आप 40 तक कर सकते हैं। अगर ओबीसी हैं तो 3 साल एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन देखिए अगर महिला भी हैं, एससी एसटी भी हैं, ओबीसी हैं, तो फिर तो आप लोगों का और आगे चला जाएगा, कोई दिक्कत यहां पर आने वाली नहीं है, पूरे पूरे मौके बच्चों को यहां दिए जा रहे हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपका एनसीईआरटी के थ्रू 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए। यानी सिंपल शब्दों में यहां पर ग्रेजुएशन की बात हो रही है और उसके साथ आपका बीएड की बात हो रही है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, उसके साथ आपका सीटेट पास होना चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी है। हिंदी और इंग्लिश में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको बेसिक में आता है, डिजायरेबल में आता है, कोई बहुत जरूरी कंडीशन नहीं आती है। अगर उसमें अलग पोर्शन में आप देखेंगे, जैसे पोस्ट ऑफ टीजीटी एसएसटी है, पोस्ट ऑफ टीजीटी एसएसटी के लिए क्या करेंगे, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट तो उसके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, हिस्ट्री होनी चाहिए, एग्रीगेट आधार पर पूछा है, इकोनॉमिक्स में ज्योग्राफी पॉलिटी इनमें से भी आपके पास एक होना चाहिए। यानी हिस्ट्री इन लोगों ने अलग रख दी, इसके साथ ज्योग्राफी इकोनॉमिक पॉलिटी में आपके पास एक होना चाहिए, ये कंडीशन यहां पर इन्होंने रखी है। ज्योग्राफी हिस्ट्री शुड हैव बीन स्टडीड इन ऑल द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क्स। अगर बात करें मैथमेटिक्स की, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ इन ऑल द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स। यानी मैथ्स तो 3 सालों में होना चाहिए, लेकिन उसके साथ 2 सब्जेक्ट और होने चाहिए जो फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स में से कोई भी हो सकते हैं, यहां पर इसने बात की। साइंस की अगर बात करेंगे, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बोटनी जूलॉजी केमिस्ट्री इन ऑल
द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इस सब्जेक्ट, एटलीस्ट 50% भी होना चाहिए, यह भी रखी है। और उसके साथ साथ आप लोग कैंडिडेट विद ऑनर्स डिग्री इन बोटनी जूलॉजी केमिस्ट्री विद इतने मार्क्स के साथ आप लोगों को यहाँ पर ये 50% का ऑप्शन यहाँ पर इन लोगों ने आपके लिए फिर भी छोड़ रखा है। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और अपने जो आपने लिया था ग्रेजुएशन में जो मार्क्स आपके थे और जो आपके पास सब्जेक्ट थे उनको थोड़ा सा मैच करने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोगों को ज्यादा समस्या ना हो। इसके लिए अगर पोस्ट ऑफ टीजीटी हिंदी इंग्लिश संस्कृत की बात करेंगे, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी इंग्लिश हिंदी संस्कृत इन ऑल द ईयर्स ऑफ द ग्रेजुएशन, यानी 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट भी आपका, और आपके पास तीनों सालों में ये सब्जेक्ट आपका होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप चाहते हैं। अगर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन एई और डब्ल्यू वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो इनके लिए उन्होंने रखा है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट होना चाहिए 5 ईयर। टीजीटी एई की बात करेंगे तो 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्रॉइंग एंड पेंटिंग स्कल्पचर एंड ग्राफिक्स आर्ट में होना चाहिए, इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वर्क नॉलेज हिंदी इंग्लिश का आपको होना चाहिए, डिजायरेबल में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल गैजेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 ईयर का डिप्लोमा आफ्टर हायर सेकेंडरी इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का आपका होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके लिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, वर्क नॉलेज हो हिंदी का इंग्लिश का, डिजायरेबल आपके लिए 1 ईयर कंप्यूटर का तो होगा ही होगा, उसके साथ 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो सकता है वर्कशॉप के रूप में। उसके बाद अगर बात करेंगे लाइब्रेरियन की तो 35 साल की अपर एज लिमिट है, 44,200 से 1,42,400 वाला सैलरी का रहेगा आपका, एजेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका एजेंशियल में रहेगा, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, वर्क नॉलेज हिंदी इंग्लिश का होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको डिजायरेबल में रहेगी। प्राइमरी टीचर की बात करेंगे 35,400 से 1,12,400 तक, अपर एज आपकी 30 साल रहेगी, लेकिन 30 साल अपर एज जनरल के लिए है, अगर महिला आप हैं तो आप 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी है तो 30 साल तक कर सकते हैं, एसटी एससी एसटी है तो 35 तक कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए भी अलग प्रावधान रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, 2 साल का एलिमेंट्री होना चाहिए आपके पास, 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास हो बीआईडी तो भी चलेगा, उसके साथ स्पेशल एजुकेशन में आपका 2 साल का डिप्लोमा हो तो भी आपका चलेगा, अगर ग्रेजुएट आपका बीएड के साथ हो 50% के साथ तो भी चलेगा, और उसके साथ साथ अगर आप और आपके पास सीटेट भी होना चाहिए, प्रोफियंसी हिंदी इंग्लिश की होनी चाहिए, वर्क नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। पीआरटी टीचर म्यूजिक की बात करेंगे तो सीनियर सेकेंडरी 50% नंबरों के साथ हो और उसके साथ म्यूजिक और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से भी होना चाहिए, कॉम्पिटेंस इन टीच थ्रो इंग्लिश हिंदी मीडियम आपको होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपके लिए डिजायरेबल रहेगी। ये आपके लिए थी, यानी मैंने कोशिश की है तमाम वो चीजें आपको बताई जाएं जो आपके लिए जरूरी रही हैं। फिर वही कहूंगा एग्जाम के लिए आप लोगों को कम से कम पेपर में सिलेक्शन के लिए और अच्छी तैयारी के लिए 6 से 7 महीने का टाइम इंसान को होना चाहिए, क्योंकि हर समय आप लोग स्टूडेंट लाइफ में नहीं होते हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई कोचिंग कर रहा है, कोई अपने परिवार में लगा हुआ है, कोई अपनी आजीविका में सर्वाइवल में लगा हुआ है, नौकरियां कर रहा है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, और अगर ज्यादा टाइम हम नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम आप महीने तो ज्यादा ले सकते हैं ना, अगर हम 4-5 घंटे रोज के दे पा रहे हैं तो महीने बढ़ा दीजिए भाई, 5 से 6 महीने 7 महीने से तैयारी शुरू कीजिए, फिर क्या हिम्मत है एग्जाम की जो वो पास होने से रह जाएगा, तो कोशिश ये कीजिए। हाँ, हमारी जिम्मेदारी ये रहती है कि आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड ना हो, वैकेंसी की अपडेट देनी हो, स्ट्रेटजी बतानी हो, वीडियो स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको हम दे देते हैं, और उसके साथ साथ कंप्लीट स्टडी मटेरियल बाय कोरियर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में, वरना बच्चों को समस्या होती कि कहां जाकर पढ़ें, कहां से लें, क्या करें, लेकिन यहां पर आप लोगों को सबसे आसान चीज ये है कि पूरे भारत के अंदर आप लोगों को, ये हमारा नंबर है, आप लोग जिस भी एग्जाम जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपने अपना नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम और अपना सिटी,
ये तीनों चीजें लिखकर इस नंबर पर 8447410108 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देनी है, आपके नंबर को सेव कर लिया जाएगा, जो भी जरूरी जानकारियां होंगी वो आपके साथ शेयर होती रहेंगी। तमाम पीडीएफ हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है। स्टडी मटेरियल के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। जितनी मदद आप लोगों के लिए हम कर पाएंगे हम उतनी करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि हर वो बच्चा सेलेक्ट हो जो मेहनत कर सकता है और मेहनत करना चाहता है। धन्यवाद, शुभकामनाएं।